अमेरिका की जनसंख्या के 1% से भी कम आबादी वाले भारतीय मूल के लोगों का वहां जलवा बढ़ता ही जा रहा है। बेहतर जिंदगी की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर गए इन लोगों का दबदबा इस तरह बढ़ा है कि वे अमेरिकी समाज में हर जगह छाते जा रहे हैं, और तो और अमेरिकी प्रशासन पर उनका दबदबा कायम हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते दिनों ही भारतीय मूल की आरती प्रभाकर को विज्ञान व प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया तो लोगों को अचल नहीं हुआ। प्रभाकर इसके पहले बेहद संवेदनशील डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी DPRA की निदेशक रह चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके पहले अपने कार्यालय व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया था। वे राष्ट्रपति की वरिष्ठ सहायक भी हैं और अहम पदों पर नियुक्ति में उनकी मदद करती हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने और अमेरिका को उससे बचाने की लड़ाई में जिस व्यक्ति को उतारा उसका नाम है आशीष झा। बिहार में जन्मे आशीष झा अमेरिका के चोटी के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों में से एक हैं। हार्वर्ड और ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले झा फिलहाल अमेरिका की स्वास्थ्य नीति तय कर रहे हैं और कोरोना की रोकने की लड़ाई में आगे हैं। जो बाइडेन ने जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ना तय किया और चुनाव प्रचार में उतरने की तैयारी करने लगे तो अपना भाषण तैयार करने का काम भारतीय मूल के अमेरिकी विनय रेड्डी को सौंपा। इसके पहले जब जो बाइडेन बराक ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति थे उस समय से ही विनय उनके लिए स्पीच लिखने का काम करते आए हैं। वे इसके अलावा जो बाइडेन के कम्युनिकेशन विभाग का काम भी संभालते हैं। भारतीय मूल के गौतम राघवन व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। उनके काम के महत्व को ऐसे समझा जा सकता है कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद जिन 4000 अहम पदों पर नियुक्तियां की है उन सब की पृष्ठभूमि तलाशने से लेकर पूरी जांच पड़ताल करने का काम राघवन और उनकी टीम ने किया है। वे इसके पहले बराक ओबामा प्रशासन में LGBTQ समुदाय से जुड़ा कामकाज देखते थे। राघवन खुद भी समलैंगिक है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से मॉस्को पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का फैसला तो राष्ट्रपति जो बाइडेन का था, लेकिन उसकी पूरी तैयारी शोध और प्रतिबंध का मसौदा भारतीय मूल के दलीप सिंह ने तैयार किया था। वे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हैं। वे बीते दिनों भारत आए थे और उन्होंने भारतीय नेतृत्व को रूस के साथ सहयोग करने की आरोप लगाते हुए चेतावनी दी थी, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय मूल के एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है अमित मित्तल। वे साइबर सिक्योरिटी नीति व रणनीति विभाग के सहायक निदेशक हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में दक्षिण एशिया प्रकोष्ठ का कामकाज भारतीय मूल की सुमोना गुहा संभालती हैं। बांग्ला भाषी गुहा इस विभाग की सहायक निदेशक है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ही तरुण छाबरा हैं, जो प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के निदेशक हैं। भारतीय मूल के अमेरिकियों की यह सूची अधूरी रह जाएगी यदि इसमें एक और नाम न जोड़ा जाए, लेकिन उनके बारे में आप सबको पता है, चलिए फिर भी बता ही देते हैं। वे हैं कमला हैरिस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माँ अमेरिका गईं और उन्होंने वहाँ वेस्ट इंडीज के एक आश्रित को जीवन साथी चुना। कमला हैरिस उनकी संतान है। इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भविष्य में कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव लड़ें और जीत जाएं। आखिर अश्वेत बराक ओबामा को अमेरिका की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया या नहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका पर भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का कब्जा होगा। भारतीय मूल के लोगों ने तो व्हाइट हाउस के स्टाफ पर नियंत्रण कर ही लिया है।